धार जिले के ग्राम करौली में चोरों ने धावा बोलकर ग्राम में गश्त कर रहे 3 लोगों को किया जख्मी। घायलों का बड़वानी के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। धार जिले के मनावर थाना क्षेत्र के ग्राम करौली में रात करीब 1 बजे के आसपास 20 से 25 हथियारबंद चोरों ने गांव में धावा बोलकर फायरिंग की, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों के अनुसार देर रात गश्त पर बैठे युवकों ने सामने से आधे चोर देखे, जिस पर उन्हें भगाने का प्रयास किया, लेकिन चोरों ने पत्थर के साथ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक को मामूली चोट आई है। वहीं 2 लोगों को बंदूक के छर्रे लगे, जिन्हें घायल अवस्था में बड़वानी के निजी अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। क्या घटना हुई थी? हम बैठे थे गश्ती में, 4 जन। किस गांव में? करौली, ग्राम करौली में। फिर क्या? और 20-25 चोर एकदम से हमला कर दिया पत्थर के साथ। उसके बाद हमको भगा दिया। उसके बाद फिर हमने गांव में आवाज़ दे के सबको इकट्ठा किया। धीरे धीरे सायरन बजाई और उसके बाद फिर हमने एक साथ, हम 3 आगे थे, हमारे पीछे पूरे गांव वाले थे, और हमने चोरों को बोला पत्थर मार के, गोलियां चला के उनके ऊपर। चोर भागे, थोड़ी दूर भागे और फिर वापस वो पलट कर हमारे पीछे भागे और उन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें मैं और मेरे कुछ साथी छोटी भाई। पुलिस प्रशासन कितने बजे पहुंचे वहां पर? पुलिस प्रशासन मनार को फोन लगाया था, लेकिन वो कुछ आई नहीं और उन्होंने बोला कि गनवानी वाली पुलिस आएगी, तो कोई पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है इसमें। ये करौली का गनवानी वाला मनावर थाने, मनावर थाने में था, मनावर से 12 किलोमीटर और फिर मनावर से गनवानी 12-15 किलोमीटर। इसके पहले भी कोई घटना हुई है लूट जैसे? 1 महीने पहले मेरे घर के ठीक सामने हुई थी, उसमें पत्थरबाजी हुई थी और उसके बाद तो रेगुलर हो गया था हर 3 दिन में, पर पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। आपको क्या गोलियां लगी हैं? मुझे 3 जगह गोलियां लगी हैं। क्या छर्रे लगे? हाँ, मुझे एक यहाँ पे लगी है जो ज़्यादा गंभीर रूप से, मेरे को सांस लेने में बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूँ, और एक यहाँ लगी है नीचे हाथ में और एक यहाँ इस पर लगी है। ये वाला कुछ ज़्यादा गंभीर लगता है, अभी भी गोली अंदर ही है पेट में नीचे। तो ये मान के चलो बहुत बड़ा धाड़ा था, जिसको बहुत बड़ी डकैती कह सकते हैं, क्योंकि ये करीब करीब 20 से 25 थे ये लोग। हथियारबंद थे, हथियारों से ले, सभी हथियारों से थे। 2 से 3 इनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी, 12 बोर वाले, और गोफन से बिल्कुल पत्थर चला रहे थे, हाथ से भी मार रहे थे, इधर उधर सब चारों तरफ से। तो जैसे ये लोग आए, वहीं पे गश्त चल रही थी हमारे उधर, किस गांव? करौली, ग्राम करौली में, वहाँ पे मंदिर के पास में सभी गश्त वाले बैठे थे। तो ये एकदम से आए, इनको ऐसा लगा कि इतने जन इकट्ठे साथ में आए तो आम रास्ता है, दूसरे लोग भी रास्ते चलते लोग भी आ सकते हैं। ये जैसे थोड़ी सी दूर, करीबन 150-200 फीट की दूरी पर, वहाँ से इनको सीधे पत्थर चालू कर, ये दूसरे आधे थे इन्होंने पत्थर चालू कर दिए, और दूसरे थे वो महेश भाई के, मेरे मकान के ठीक सामने महेश भाई के मकान में ये लोग घुस गए। तो हम भी बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि अगला एक बार इससे पिछली बार भी हो चुका है ऐसा नैसा, वो हमारे घर छोड़ के था, ये अभी हमारे घर के सामने का है पूरा। कितने लोग जख्मी हुए? इसमें 3 लोग। काय से इन लोगों को जख्मी किया है इन लोगों ने? ये बंदूक से। कौन सी बंदूक? ये बड़ी वाली, 12 बोर वाली। छर्रे लगे? हाँ, छर्रे करीबन, एक जो मेरा बेटा है कुशाग्र, कुशाग्र पाटीदार, उसको 3 लगे हैं, 3 छर्रे लगे हैं। एक लंग्स के पास में है, जो अभी उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, जो ICU में एडमिट है। और 2 है वो जनरल वार्डन है, एक जो शिव मालवी है, उसको 7 या 8 छर्रे लगे हुए हैं, और एक जगदीश भाई है, उनको मामूली सी चोट है। एक बार फिर आपका पूरा नाम बता। मेरा सेवकराम पाटीदार, ग्राम करौली, तहसील मनावर। चोरी में क्या ले, चोरी क्या वारदात हुई? चोरी कुछ वारदात करी गई? तो सामने के घर महेश भाई के यहाँ से चोरी करके ले गए लोग। कितना लगभग सामान ले? शायद मेरे को पूरी जानकारी नहीं, बाकी माँ, जो बूढ़ी माँ सोए थे उनका जेवर, और उनके जो दादाजी थे उनके पास जो अलमारी में वगैरह में जो भी केस रखा होगा वो भी सब ले गए थे, वो सामान सब पूरा इधर से उधर सब पूरा बिखरा के कर दिया था कंपनी।
क्या नाम है? जगदीश गोकुल पाटिल। कहाँ रहते हो? करौली। क्या हुआ जगदीश? करौली में जैसे मतलब गश्ती चल रही थी, चोर होने आए, चोरे होने मतलब वो चोर होने गश्ती वालों को भगाया। अब गश्ती वालों ने गांव में फिर आवाज़ लगाई, गांव के लोग गए, उसके बाद में उधर से उन्होंने बंदूक के फायर चालू कर दी। कितने लोग थे वो? वो हमने तो नहीं देखे, बाकी जो गश्ती वाले छोरे थे वो बता रहे थे कि 20 से 25 लोग होंगे। जख्मी कितने लोग हुए आपके गाँव के? जख्मी ये हम 3 लोग। कौन कौन? उसमें कोई पुलिस वाला भी? पुलिस वाला तो रास्ते में कहीं मतलब उनको रोकने के लिए ये हुआ, तो इसलिए उनको यहाँ अभी लाए 5 बजे। वह करौली में हमको 3 को लगी बंदूक चली, उसके छर्रे मतलब लगे। हाँ वो तो अब दूरी ज़्यादा थी, अब हम कहीं देखा तो है नहीं हमने। कितने बजे घटना है ये? 1 और 1:15 बजे के बीच, 15 मिनट में सब फिर खत्म। चोरी भी करके ले गए? हाँ चोरी करके ले गए। नहीं वहाँ महेश भीमा शंकर के घर से। कितना सामान ले गए लगभग? हम तो यहाँ आ गए थे, पूरी जानकारी तो नहीं है, बाकी बता रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपये नकद थे और महिला के जेवर थे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।